नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ देसी इलेक्ट्रिक में। तो आज यहाँ पे बनाने वाले हैं फिर से दिवाली लाइट। तो यहाँ पे आप देखते रहिए, लास्ट तक यहाँ पे देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास है आइडिया और बनाने वाले हैं यहाँ पे। अभी तक मैं ऐसा लाइट कभी नहीं बनाया हूँ, बनाने के बाद पता चलेगा कि कैसा दिखता है। आपसे भी वैसे इंट्रो में आपसे पहले ही देख चुके हैं, लेकिन कैसे बनेगा क्या है दिमाग में है, बट यहाँ पे बनाना यहाँ पे सामने में है। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। ज़्यादा अभी जितनी चीज़ें मैंने लिया है उतना मैं बता दूँ, तो यहाँ पे ये कुछ कार्टून जो आते हैं सामान जिसमें आता है वो लिए हैं, जिसमें मैं कटिंग कर लिया हूँ कुछ इस टाइप का। ठीक है, आप लोग भी कटिंग कर सकते हैं, हम बता देते हैं कैसे करना है। और बाकी ये स्टार दो, हम मैंने स्टार बना के दो कटिंग करी है और यहाँ पे सिंपल मैंने रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कुछ यहाँ पे आपको ये लड़ी लेना है, जो कि आपको ये 40 से 50 रुपये में ईजिली मिल जाएगा। आप इससे कम दाम का भी लड़ी ले सकते हैं, या फिर आप घर पर भी बना सकते हैं लड़ी। पिछले वीडियो देख के आप लड़ी कैसे बनाया जाता है देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे है तो आप और सीख सकते हैं। ये जो है ये कि 0 वाट का DOB आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपको 0 वाट 15 रुपये का मिल जाएगा। उसमें से आप निकाल लीजिएगा, या फिर आपके घर में कोई ख़राब 0 वाट बल्ब रखा हो तो वो उसमें से यूज कर सकते हैं, या फिर आप कहीं भी जाइएगा तो ये ड्राइवर लीजिएगा तो आपको 7 से 8 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रखते हैं। इधर आप क्या क्या लगेगा, तो इसमें ग्लू गन भी लगेगा और यहाँ पर कुछ गंध भी लगेगा, तो यहाँ पर एक टैप भी ले लीजिएगा। इतना चीज़ मुझे पता है, आगे क्या लगेगा, एक सेंचुरी पेज भी 2-3 लग जाएगा, तो क्या पता क्या लगेगा। आगे देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले मैंने देखिए इस पर प्रैक्टिस किया कि छोटा छोटा बड़ा बना के, तो एक मैं बड़ा बनाया और इसमें इसको काट लिया पहले, उसके बाद इसको नाप नाप के सभी को यहाँ पे काट दिया हूँ। तो कुछ इसी प्रकार का आपको नाप नाप के काट लेना होगा। यहाँ पे कटर हो तो कटर कोई भी चीज़ की मदद से आपको ये है तो सही है, नहीं तो आप कोई भी चीज़ से काट लीजिए। आप अपना दिमाग लगा के मैं भी काट लिया हूँ इसको, उसके बाद करना कुछ नहीं है। इधर आप सिंपली दोनों ही नाप के एक रंग चरखूट काट लीजिए, बस बात खत्म। इसको भी कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे आगे की काम करना जो है हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, आगे और पता चलेगा, देखते रहिए वीडियो। इस दोनों में चिपकाना है और इस दोनों में नहीं चिपकाना है, बस हमको ऐसे ही रखना है इसको। तो चलिए यहाँ पे आगे की काम हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, आगे की काम तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम ग्लू गन से इसको चिपका देते हैं, जिससे यह होगा क्या बेहतर हो जाएगा। तो हमको लगता है कुछ इस हिसाब से यहाँ पर पहले गम को हल्का साइड से लगा के फिर ग्लू गन दे देंगे। ठीक है, गम से भी चिपक जाएगा आपका, आदि गम हो खाली पीली तो गम से भी आप चिपका सकते हैं, थोड़ा देरी लगता है चिपकने में गम से। यहाँ पे एक पीस तैयार हो गया है, तो इसी टाइप में हमको दूसरा पीस भी करना होगा तैयार। तो इधर से मैं लगा देता हूँ एक और, तो यहाँ पे ये इसको भी लगाया, तो थोड़ा बहुत इसमें भी मैं गंध लगा लिया हूँ जिससे आज सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं इधर से लगाना होगा। ठीक है, तो इधर से यहाँ पे इसको भी इधर पैक कर देते हैं। तो ये सूख गया है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको डब्बा बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये डब्बा बन गया। ठीक है, इसमें हमको लड़ी देना है, लड़ी देने के बाद आगे की काम हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पैक कर देंगे, उसके बाद कुछ आगे की काम करेंगे। तो इसमें जो है लड़ी मैं दे देता हूँ। ठीक है, इसी को इस पर चिपका दिया हूँ, वो LED जो है इसको इसी पर चिपका दिया हूँ यहाँ पे ऊपर में, और ये तार जो है साइड से मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर अब इसको चिपका देते हैं। इसके अंदर हमको करना अभी कुछ है नहीं, आगे जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार नाप के इसको काट ही लेते हैं, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है आगे की।
बार हम चेक करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं, फिर इसको आगे की फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पे मैं प्लग लगाता हूँ इसमें और देखता हूँ कैसा काम कर रहा है। तो ये एकदम ही गजब काम कर रहा है, यहाँ पे हम दिखा दें आप सभी को, ये गजब ही काम वर्क कर रहा है आप सभी को। अभी अंधेरा होगा तो दिखा देगा, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, यानी काम पूरे ही परफेक्ट कर रहा है जैसे मैंने सोचा हूँ। तो आगे देखते हैं इसको कैसे लगता है ये बनने के बाद, कुछ बनने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा बना है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे वेट कीजिए, आप सभी को बनने के बाद दिखाते हैं। अब आगे करना क्या, इसमें पूरे ही टैप लगाना है, यहाँ से लेके पूरे ही मतलब जहाँ तक जाएगा टैप पूरा ही लगाना है मुझे। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा बजट ज़्यादा पड़ेगा इसमें बनाने में हमको लगता है जिस हिसाब से, लेकिन काफ़ी अच्छा बनने वाला। तो यहाँ पे हम पूरे ही इसमें टैप चिपका देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं, देखते रहिए। से बना है ये लाइट, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है कुछ इस हिसाब से मैंने घस दिया, तो वो एक डिज़ाइन ले लिया है रूप, तो बहुत ही गर्दा लग रहा है। इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो छाया बन रहा है वो स्टार का छाया बन रहा है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है स्टार का यहाँ पे छाया बन रहा है। इसमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इधर से स्टार बन गया और यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टार है, ठीक है। यहाँ पे अंधेरा है कुछ इस टाइप का दिख रहा है आप सभी को, और लाइट यहाँ पे जलाने के बाद कैसा दिखता है वो देख लीजिए। तो लाइट जलाने के बाद भी अच्छा खासा दिख रहा है, तो बहुत ही गजब लग रहा है। लेकिन आपके यहाँ घर में अभी प्लास्टर हुआ हो और वॉल में लगा दीजिएगा तो और भी गजब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ये लाइट बना है, तो चलिए हमें लगता है बहुत ही आप सभी को पसंद आया होगा, बहुत ही मैं चाहूँगा कि आप सभी को अच्छे अच्छे कॉन्टेंट दूँ। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।